मुझे तो आप नजर आ रहे हैं, पानी में क्लैरिटी है, क्लैरिटी है पानी। तो यूं समझो कि एक मासूम दिल यानी गुनाहों से पाक दिल का ये कैफियत होती है। जब वो गुनाहों से पाक होता है तो पानी की कैफियत इस तरीके से होती है, लेकिन जब वो गुनाह करता है तो अब देखो क्या होता है। सबसे पहला गुनाह, सरकार को अपने जैसा बोलना, सबसे पहला गुनाह। झूठ, फरेब, बुग्ज, कीना, कपट, हर चीज से पहले सबसे पहला गुनाह सरकार को हमारे जैसा बोलना, ये गुनाह अजीम है। यानी ये तो कुफर के हद तक है। उसके बाद औलिया कराम की बेदबी आप देख रहे हैं, या फिर आप पकड़ के धरो। उसके बाद झूठ, बुजुर्गाने दीन की शान में गुस्ताखिया, मदरसे गौसे आजम से दूरी, औलिया किराम से निस्बतों से दूरी, फातिहा का इनकार, जीरा तरावी में 8 रकात पढ़ के ये शरीयत है बोलना, समझ में आ रहा। तो आप देखें जो पहले कैफियत थी अभी क्या है, थोड़ा काला हो गया। अभी दिल की कैफियत है, लेकिन अब इसको दूर करना है तो क्या करना है? कहे के दीवाना हमें ठुकरा दिया सबने मगर, है ना। देखो दुनिया की होशियारी नहीं है, मगर सरकार की नाक पड़ रहे तो ले गया के पैसे रखने के नजराना रखने की होशियारी है ना। कुर्बान जाइए ऐसे दीवाने पे, समझ रहा। सरकार की महफिल में आके बैठ गए, समझे ना। ये मदरसे गौसे आजम का शर्फ है, मदरसे गौसे आजम का शर्फ है। यहाँ पे गाँव मुस्लिम लोग भी यहाँ पे आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, और दुनिया से एकदम बेगाना हो गया। वैसा आदमी भी यहाँ पे आ जाता, होशियार भी आ जाता, सब आ जाता। ये मदरसे गौसे आजम का फैजान है। ये मंजर कहीं नहीं मिलता। हरा भरा चमन है, कहीं कांटे है तो कहीं फूल है, एक चमन है। अगर जैसा कि मैंने आपको हदीस बताई कि गुनाहों से जब बंदा गुनाह करता है तो एक धब्बा, फिर उससे बढ़ते 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 इतना सियाह